नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, इसके लीगल एंड रिसर्च डिपार्टमेंट में जो वैकेंसी निकल के आई है उसके बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। इसकी पूरी जानकारी आप जो है इसकी नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके भी ले सकते हैं। इसकी नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए आपको जो है गूगल पे आना होगा और यहाँ पे आपको लिखना होगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, और उसके बाद जो है आप कैरियर लिख देंगे और उसके बाद ओके करेंगे तो आपका जो फर्स्ट लिंक खुल के आएगा उस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का पेज खुल के आ जाएगा। जो पहला है यहाँ पे अभी देखेंगे, ये जो है कॉन्ट्रैक्ट बेस का यंग प्रोफेशनल का जो जॉब पोस्ट है इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, तो इसकी नोटिफिकेशन को आप यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। वैसे हमने इसे पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ है और इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया गया है, तो आप वहाँ से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी जो नोटिफिकेशन की डेट है 26/10/2023 को इसे जारी किया गया है और यहाँ पे जो है यंग प्रोफेशनल की वैकेंसी निकल के आई है जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेस का जॉब है। इसके बारे में हम इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। इससे पहले कि हम इस वीडियो में आगे बढ़े और आपको इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दें कि कैसे आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कितनी पोस्ट है और आपको कैसे अप्लाई करनी है, यहाँ पे आपकी जो सिलेक्शन है वो कैसे होने वाली है और एप्लीकेशन फी आपको यहाँ पे जमा करनी है या नहीं, ये सारी जानकारी आपको जो है इस वीडियो में मिल जाएगी। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिए। और यदि आप एक लॉ स्टूडेंट हैं, लॉ ग्रेजुएट हैं या प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे लीगल जॉब से रिलेटेड वीडियोस हमेशा अपलोड की जाती हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का लीगल जॉब पोस्ट हो। जैसे कि हम इस वीडियो में जान रहे हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से निकली जो यंग प्रोफेशनल की लीगल जॉब पोस्ट है उसके बारे में, तो इसकी एक ओवरव्यू आपको हम बता देते हैं कि ये जो है यंग प्रोफेशनल का लीगल जॉब पोस्ट है और इसमें जो है टोटल 8 पोस्ट वैकेंसी निकल के आई हुई है। एज लिमिट की बात करें तो आपकी एज जो है 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए ऑन द डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट। जो इसके एडवर्टाइजमेंट की डेट है इस डेट तक आपकी एज जो है 30 साल तक की हो सकती है और इससे ज्यादा अगर आपकी एज है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो आपको इनिशियली 1 साल के लिए हायर किया जाएगा और 1 और साल के लिए आपकी जो जॉब पोस्ट है उसे एक्सटेंड किया जा सकता है। उसकी क्या कंडीशन है उसे जो है एनेक्सर 1 में दिया गया है, जो कि हम आगे जानेंगे। लोकेशन की बात करें तो इसकी जो लोकेशन है ड्रम शेप्ड बिल्डिंग आईपी स्टेट न्यू दिल्ली में इसकी लोकेशन है और यहाँ पे जो स्टाइपेंड आपको मिलने वाला है यानी कि जो सैलरी आपको यहाँ पे मिलने वाला है वो है 40,000 रुपये पर मंथ। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप लॉ ग्रेजुएट होने चाहिए और इसकी कंप्लीट डिटेल जो है इसके एनेक्सर 1 में दिया गया है, जिसे हम आगे जानेंगे। जॉब डिस्क्रिप्शन की बात करें तो आपको यहाँ पे मेंटेन करना है, अपडेट करना है जो भी लीगल डाटाबेस है उसको, इसकी कंप्लीट डिटेल्स भी आपको एनेक्सर 1 में देखने को मिल जाएगा। सिलेक्शन प्रोसीजर भी एनेक्सर 1 में दिया गया है कि कैसे आपकी सिलेक्शन यहाँ पे होने वाली है। इसके एनेक्चर 1 में जो है इसकी पोस्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट ये सारी चीज़ें दी गई है। वहीं इसके एनेक्चर 2 जो है उसमें जो है इसकी फॉर्म दी गई है जिसे कि आपको फिल करनी है प्रिंट आउट करने के बाद, और उसे फिल करने के बाद जो है आपको उसके इनकम टैक्स ऑफिस एडमिन लीगल एंड रिसर्च डायरेक्टरेट ऑफ इनकम टैक्स लीगल एंड रिसर्च रूम नंबर 413 फोर्थ फ्लोर ड्रम शेप्ड बिल्डिंग आईपी स्टेट न्यू दिल्ली जिसका पिन 11002 है इस एड्रेस पे आपको जो है 17 नवंबर 2023 से पहले आपको इसके एप्लीकेशन फॉर्म को सेंड कर देनी है, जिसे कि आप स्पीड पोस्ट के माध्यम से सेंड कर सकते हैं। उसके अलावा आपको जो है इसे ईमेल के थ्रू भी सेंड करनी है, जिसकी ईमेल आईडी है dilli.ito.lr.admin@incometax.gov.in। इस ईमेल एड्रेस पे आपको जो है उसी एप्लीकेशन फॉर्म को पीडीएफ बना करके आपको वहाँ पे सेंड करनी होगी। साथ ही जब आप इसके एप्लीकेशन फॉर्म को सेंड करेंगे तो उसके साथ में आपको इसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी लगानी होगी, जैसे कि आपकी मार्कशीट, अगर आपने कहीं पे एक्सपीरियंस हासिल किया हुआ है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है आपके पास तो आप उसे भी लगा सकते हैं। साथ ही आपने जिस बार में आपने रजिस्ट्रेशन कराया है उस बार काउंसिल का जो सर्टिफिकेट है उसे भी आप उसमें अटैच जरूर करेंगे, उसके बिना आपके जो एप्लीकेशन है उसे कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम इसके एनेक्चर 1 देखते हैं, जिसमें कि इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी गई है। जैसे कि हमने आपको शुरू में ही बता दिया कि इसमें टोटल 8 पोस्ट वैकेंसी निकल के आई हुई है और इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो कोई भी इंडियन लॉ ग्रेजुएट इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है अगर उसने जो है किसी भी रिप्यूटेड कॉलेज या यूनिवर्सिटी से अपनी लॉ की डिग्री हासिल की हो। उसके अलावा जो भी एप्लीकेंट इस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे उनकी जो है नॉलेज अच्छी होनी चाहिए इंग्लिश लैंग्वेज में, और साथ ही ड्राफ्टिंग स्किल भी उनकी अच्छी होनी चाहिए। साथ ही जो भी एप्लीकेंट इस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे उन्हें जो है कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, जैसे कि एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और पावर पॉइंट एक्सेट्रा। एज लिमिट के बारे में हमने आपको बता ही दिया कि इसके एडवर्टाइजमेंट के डेट से 30 साल तक आपकी अगर एज है यानी कि 30 साल से कम है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं और इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं।
स्टाइपन की बात भी हमने आपको बता ही दी कि इसमें जो टोटल 40,000 रुपये पर मंथ आपको जो है यहाँ पे स्टाइपन मिलने वाला है। उसके अलावा आपको जो है कोई भी अदर अमाउंट आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। उसके अलावा पीरियड ऑफ एंगेजमेंट की अगर हम बात करें तो आपको इनिशियली 1 साल के लिए हायर किया जाएगा, जो कि फुल टाइम बेसिस पे आपको हायर किया जाएगा और उसे जो है 1 साल के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। ये डिपेंड करता है आपके परफॉर्मेंस के आधार पे, जो आप यंग प्रोफेशनल के रूप में काम करेंगे उसके आधार पे। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो आपको बता दें कि जब आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट्स आप वहाँ पे सेंड करेंगे उसे पहले स्क्रीनिंग की जाएगी, जो कमेटी है डायरेक्टरेट की उनके द्वारा जो है इसे स्क्रीनिंग की जाएगी और उसके बाद जो है कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। जिन भी कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा उन्हें जो है इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और इसकी जानकारी जो है जो इसकी डिपार्टमेंट की वेबसाइट है उस पर भी जारी कर दिया जाएगा। और जिन भी कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा उन्हें जो है उनके ईमेल के थ्रू भी उन्हें बता दिया जाएगा कि आपको शॉर्टलिस्ट किया गया है और इस डेट को आपकी जो इंटरव्यू है होने वाली है। जो भी कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए जाएंगे उन्हें जो है टाइम से इंटरव्यू के लिए पहुंचना होगा और साथ में अपने डॉक्यूमेंट्स को आप लेकर के वहां पे जाएंगे, क्योंकि आपको वहां पे आपकी ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स को दिखाना पड़ेगा उसको वेरिफिकेशन करने के लिए। एक्सपीरियंस की बात करें तो आपको बता दें कि इस पोस्ट के लिए फ्रेशर्स लॉ ग्रेजुएट भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इस पूरे नोटिफिकेशन में कहीं भी आपसे एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है और ना ही इसमें एप्लीकेशन फी के बारे में बात की गई है। तो यहाँ पे ना तो आपकी एप्लीकेशन फी लगने वाली है और ना ही यहाँ पे आपसे एक्सपीरियंस मांगा गया है, सिंपली आपके इंटरव्यू के आधार पर ये जॉब पोस्ट मिलने वाली है। ये जो है शानदार लीगल अपॉर्चुनिटी है सभी लोग ग्रेजुएट्स के लिए जिनके पास लॉ की डिग्री है, वो चाहे फ्रेशर हो या उनके पास एक्सपीरियंस है, तो आप सभी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब आपको जो इसके एप्लीकेशन फॉर्म को हम दिखा देते हैं जो कि एनेक्चर 2 है, तो आप देख सकते हैं ये जो है इसके एप्लीकेशन फॉर्म है जिसे कि आपको डाउनलोड करनी है। यहाँ पे आप जो अपना फोटो चिपकाएंगे, उसके बाद इसमें कुछ बेसिक डिटेल्स आपसे मांगी गई है जैसे कि आपका नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कोरस्पोंडेंस एड्रेस, फोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पे मांगी गई है जिसे कि आप फिल करेंगे। फिल करने के बाद जो है आप नीचे जो है आप देखेंगे डिक्लेरेशन फॉर्म है आपका एक, जिसमें आप प्लेस, डेट और सिग्नेचर कर देंगे और यहाँ पे आप अपना नाम लिख देंगे। देन उसके बाद इसी को आपको जो है सेंड कर देनी है स्पीड पोस्ट के माध्यम से और इसी फॉर्मेट का स्कैन कॉपी इसमें जो भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है उसे आप अटैच करेंगे और इसे जो है मेल भी करेंगे आप। तो इस प्रकार आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। मेरा मानना है कि अगर आप एक लॉ ग्रेजुएट है तो आप इस जॉब पोस्ट के लिए अप्लाई जरूर कीजिए। इसकी जो एप्लीकेशन फॉर्म की जो लिंक है उसे नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया गया है, जहां से डाउनलोड करके आप इसे फिल कर सकते हैं और इसे भेज करके अप्लाई कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग अगर आपका कोई और सवाल है जो आप पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। ऐसे और वीडियोज देखने के लिए आप इस चैनल के साथ में जुड़ सकते हैं। मिलते हैं किसी और नए लीगल वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।